याद है वो पल जब बचपन में हमें इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए मंत्र श्लोक रटवाए जाते थे, लिटरली रट्टा लगाते थे। मतलब तो वैसे भी उस उम्र में नहीं समझता था, और कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, सीधा मंत्र और श्लोक ही रटवा देते। और मेरा ऐसा मानना है कि श्लोक याद हो या ना हो, मतलब याद होना चाहिए। आज गीता का एक बड़ा ही पॉपुलर श्लोक है जो आपको रटा होगा, आई होप सो, नहीं तो सुना तो आपने जरूर होगा। बस वही श्लोक मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने, मतलब जानेंगे आज उसका और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यही तो मोटिव है गीता अनप्लग्ड का और मेरे और आपके रोजाना इस टाइम पर बातचीत करने का। मैं मानसी हूँ आपके साथ और एबीपी लाइव पॉडकास्ट रोजाना की तरह गीता से एक श्लोक लेकर के आई हूँ। आज चैप्टर 4 से श्लोक 8 ये जानते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। सबने सुना है ये श्लोक। इंग्लिश में कृष्ण सेड टू अर्जुन टू प्रोटेक्ट द राइटियस टू एनिहिलेट द विकेट एंड टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म आई मीन्स कृष्ण अपीयर ऑन दिस अर्थ एज आफ्टर एज। अब हिंदी में श्री कृष्ण भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने के 3 रीजंस बताते हैं श्लोक में। दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। आई एडवेंट माई सेल्फ मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, कृष्ण सेड टू अर्जुन। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है यार, गीता के बाकी श्लोक जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें जिक्र है कि आखिर ऊपर वाला तो हर चीज में शामिल है, हर आत्मा में है। जब हर चीज में है फिर उनको अवतार लेने की जरूरत क्या, जब वो पहले से ही है। यहाँ पर थोड़ा सा डीपली इस श्लोक को समझने की जरूरत है। चलो शुरुआत करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ना, तो वो अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला, धाम, संतों, इन सबके साथ आते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का एक इजी वे मिलता है। क्योंकि भगवान के निराकार रूपों की उपासना तो बड़ी मुश्किल होती है, और साकार भक्ति को समझना, उसमें लीन होना इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो भगवान धरती पर अपनी लीलाओं और कहानियों को कहने आते हैं, जिन्हें युगों युगों तक याद रखा जाए, और इसी हो सबके लिए ध्यान करना। अच्छा, वो टाइम आप पूछिएगा अगर आप उस जनरेशन के नहीं, और अगर आप उस जनरेशन के हैं तो आपको याद होगा कि जब दूरदर्शन पर पहली बार रामायण आई थी, सब टीवी पर कैसे चिपक जाते थे स्क्रीन पर, गली मोहल्ले खाली होते थे, दुकानें बंद होती थी, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए लोग टीवी स्क्रीन से चिपके रहते थे। इस श्लोक का सही मतलब यही है कि भगवान अवतार लेकर सभी को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये सब बताते हैं, संतों के साथ आते हैं, खलनायक भी वो अपने साथ लेकर आते हैं, खलनायक का रोल प्ले होता है। उदाहरण के तौर पर रावण और कुंभकर्ण, विजय और विजयी तो थे वो जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर आए थे। उन्होंने राक्षस का अभिनय किया, भगवान राम से शत्रुता कर उनसे युद्ध किया। वो किसी के भी द्वारा मारे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो दिव्य पुरुष थे, इसीलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन से ऐसे राक्षसों का वध किया, और उन्हें मारने के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें उसी दिव्य धाम में पहुंचा दिया जहां से वो आए थे। इस श्लोक का एक और मीनिंग जो मैं समझ रही हूँ ये भी है कि इस श्लोक में कहा है कि जब जब पाप बढ़ेगा तो भगवान धरती पर अवतार लेंगे उसका नाश करने के लिए। जब हर किसी के अंदर ऊपर वाले का वास है तो हम अवतार का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या हम सभी उसी का रूप नहीं, तो वेट क्यों कर रहे हैं? गलत होता हुआ क्यों देख रहे हैं? सही के लिए स्टैंड लीजिए आज से, अभी से, क्योंकि हर आत्मा में वही रहता है। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही, मुलाकात कल फिर से करेंगे और एबीपी लाइव।